फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सर? आज मैं बनाने जा रही हूँ वाइट सॉस मैगी। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 शिमला मिर्च, 3 चम्मच मैदा, 1.5 कप दूध और 3 पैकेट मैगी के। तो मैंने 2 कड़छी यहाँ पे ऑयल ले लिया है, उसमें शिमला मिर्च मैं रोस्ट करूँगी। थोड़ा सा नमक डाल लूँगी जिससे कि ये गल जाए। इसको ज़्यादा नहीं करना है रोस्ट, थोड़ा थोड़ा सा, बस 1 मिनट के लिए। रोस्ट हो रही है, आप देख रहे हैं। ये मैंने निकाल लिया है शिमला मिर्च को, इसी पैन में बना लूँगी मैं वाइट सॉस मैगी की सॉस। इसके लिए दो कड़छी मैंने लिए हैं तेल और ये 3 चम्मच है मैदा। इसको रोस्ट कर लूँगी इसी में। लो फ्लेम रखनी है गैस की और इसको रोस्ट करना है। मैदा रोस्ट हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे दूध। तेजी से हिलाना ताकि इसमें लम्स ना पड़े। धीरे 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 मिल्क ऐड करेंगे इसमें। तो ये सॉस बनके तैयार हो गई है। इसमें हम रेड चिली फ्लेक्स डाल लेंगे, थोड़ी सी डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च, चिली फ्लेक्स मेरी घर की बनाई हुई है, आप होममेड ले सकते हैं इसमें। ये देखिए कितनी बढ़िया सॉस बनके तैयार हो गया। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई रख ली है मैगी बॉईल करने के लिए। इसको हम साइड पे रख देंगे और मैगी बॉईल करेंगे। यहाँ पे पानी बॉईल हो चुका है, यहाँ इसमें मैगी डाल देंगे। 3 पैकेट के लिए 3 कप पानी लिया है मैंने। मैगी को तोड़ के डालेंगे, 3ों पैकेट डाल लेंगे इसमें। पानी बॉईल होने के बाद डालना है, ये ध्यान रखिए। इसको तोड़ के डाल देंगे। गैस की फ्लेम को तेज ही रहने देंगे। मैगी मसाला डाल लेंगे 3 पैकेट जो है। तीन पैकेट मसाले डाल लिए मैंने इसमें, मैगी मसाला जो निकला बीच में से। इसको मिक्स कर देंगे और इसको पकने देते हैं 2 मिनट तक। दो मिनट हो गए मैगी को पकते हुए। इसमें अब हम डाल देंगे, ये नमक नहीं डाला क्योंकि शिमला मिर्च रोस्ट करते हुए मैंने नमक डाल दिया था। इसमें सॉस डाल दिए मैंने और इसको मिक्स कर दिया अच्छे से। इसके ऊपर डाल देंगे रोस्टेड शिमला मिर्च और इसको भी मिक्स कर देंगे और अच्छे से चला देंगे। ज़्यादा देर नहीं पकाना है इसको। एक मिनट के लिए बस, और हमारी तैयार है रेसिपी। तो हमारी बनके तैयार हो गई है वाइट सॉस मैगी।
इसको हमने बाउल में शिफ्ट कर लिया है। तीन पैकेट है, आप देख सकते हैं कितनी क्वांटिटी भी इसी सही हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है, खाने में उतनी ही टेस्टी है। ये 5 मिनट में तैयार हो गई है हमारी ये वाइट सॉस मैगी। तो आप इसे बनाइए, खाइए और खिलाइए। और आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट भी कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।